हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ। हम लोगों ने अक्सर कर देखा होगा, घर में हमें इलायची पाउडर चाहिए हो तो किसी मिठाई में डालना हो, या मोदक में डालना हो, या चाय में या खीर में डालना होता है। हरी इलायची काफ़ी महंगी है, ऐसे में हम हरी इलायची का पाउडर कैसे बनाएं? और जल्दी जल्दी में इलायची के छिलके फिर जाते हैं, जल्दी जल्दी में काफ़ी नुकसान हो जाता है। इलायची के छिलके बहुत फ्लेवरफुल होते हैं, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले कोई पैन लेना होगा। चलो मैं बना के दिखाती हूँ आपको कैसे क्या करना है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग कढ़ाई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि। देखो गाइस, हमने 50 ग्राम इलायची ली है, मैं उसमें डाल दूँगी कढ़ाई में। गाइस, अब मुझे इलायची को सेक लेना है, इतना सेकना है कि इसका मॉइस्चराइजेशन है ये खत्म हो जाए। गाइस देखो, ये सिक भी गई है। गाइस देखो, इसका कलर भी चेंज हो गया इलायची का। इसे हमें थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर इसके बाद हमें मिक्सी जार में हल्के से पीस लेना है। गाइस, आपने देखा होगा जब हमारे घर, हम लोगों के घर अक्सर कर डायबिटीज़ वाले पेशेंट आ जाते हैं, तो हम लोगों को ऐसे वो बोलते हैं मुझे विदाउट शुगर की वो चाय चाहिए, तो हम लोग डाल देते हैं अक्सर कर थोड़ी सी इलायची और चीनी। बट तब भी वो लोग पकड़ लेते हैं कि मतलब इसमें कुछ तो डाला है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा बताने वाली हूँ, इसमें चीनी भी नहीं डलेगी, अच्छा सा इलायची पाउडर भी बन जाएगा वो टेस्टी। गाइस देखो, ये इलायची तो ठंडी हो गई है, मैं इसे मिक्सर जार में डालने वाली हूँ पीसने के लिए। ये रहा जार, नीचे डाल दूँगी इसमें। गाइस देखो, मैंने इसे पीस लिया है मिक्सी द्वारा। देखो इसका पाउडर भी बन गया है। देखो थोड़ी इलायची का कितना ढेर सारा पाउडर बन गया है। गाइस देखो, बिना चीनी के इतना ढेर सारा, कितना अच्छा पाउडर बन गया है, इलायची पाउडर तो बन गया है। गाइस, अगर हम लोग आपके घर कोई छोटा सा कंटर जार हो तो उसमें डाल के रख सकते हैं, काफ़ी टाइम तक ये अच्छा बना रहेगा। गाइस देखो, मेरे घर पे तो प्लास्टिक का डब्बा है, हम तो इसी में भर के रख देंगे इलायची पाउडर। गाइस देखो, हमने तो इसमें भर के रख दिया है। आप लोग भी ट्राई करना, फिर आप लोग हमें कमेंट करके बता देना कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? ये तो बता दिया करो कम से कम कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब हम लोग किचन में जाते हैं, ऐसे हम लोग कुछ बनाना होता है, जैसे लहसुन की कोई चीज़ बनानी है, तो हमें कई चीज़ें बनानी होती हैं जिसके लिए हमें लहसुन की आवश्यकता पड़ती है। जल्दी जल्दी में लहसुन को छीलना होता है और लहसुन का पेस्ट बनाना होता है। लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगी यार जिसमें ना आपको लहसुन छीलना है ना कुछ करना है। देखो गाइस, चलो मैं आज स्पेशल स्पेशल बताने वाली हूँ आपको। जब हम लोग घर पे मिक्सी भी नहीं हो, लाइट भी नहीं आ रही हो, उस टाइम बहुत परेशान भी हो जाते हैं उस सिचुएशन में। देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। चलो गाइस, ये है लहसुन, ये इसकी ये रूट रूट पार्ट है, ये इसका शूट पार्ट है। हम इस शूट पार्ट को ना पहले काट लेंगे, रूट वाले को नहीं, शूट वाले को। देखो गाइस, अब मैं हमने जो सूट पार्ट था उसे काट लिया है। मैं सूट पार्ट की तरफ से अब इसे घिस लूँगी, इसे घिसना है सूट पार्ट की तरफ से। देखो कैसे घिसना है। देखो गाइस, इसमें क्या है, देखो इसमें छिटकल है वो ऊपर है
और जो इसका पेस्ट है वो प्लेट में है नीचे, अभी दिखाती हूँ आपको। देखो गाइस इस पर छिक्का लगे रह गए हैं। देखो गाइस इसका पेस्ट तो प्लेट में बना के मैं रेडी कर दिया है ना, इसमें मिक्सी की आवश्यकता है ना किसी की।